И каждому человеку мягкие диванчики, боковая трибуна, VIP-зона, партер, балкон. Не дай бог кого-то обидеть и пройти мимо. ये जो आप मेरे पीछे बोट देख रहे हो, बहुत पुरानी बोट है, एंटिक टाइम की बोट है। ये बोट को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया और इसका नाम है फ्लाइंग डच वर्ड। क्या खतरनाक नाम है ना, फ्लाइंग डच वर्ड। ये जगह भी काफ़ी हैपनिंग लग रही है, लोग स्केच बनवा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। भाई ये देखो, और वो रहा जो पुराना बोट, पुराना नहीं है, नया एंटिक तरह लग रहा है, जिसको रेस्टोरेंट बना दिया है। पीटर और पॉल कैथेड्रल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेन बिल्डिंग। यहाँ कैंपस पे आपको तो कोई एंट्री फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, आप कैंपस में कहीं पे भी घूम सकते हो। बट अगर आपको इसके अंदर जाना है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो येलो टाइप का, अगर आपको इसके अंदर जाना है तो उसके लिए आपको टिकट लगेगा। और टिकट कितना लगेगा आई डोंट नो, देखता हूँ, पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कितना एंट्री फ़ी है और क्या है। मैंने टिकट पता किया, जो मेन कैथेड्रल था, पॉल एंड पीटर कैथेड्रल, जिसका आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप अगर हो तो पॉज करके आप पढ़ लेना, और अगर आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ऐसे काफ़ी सुंदर जगह है। जो आर्किटेक्चर है ना, वो बोलो ये है ऑसम आर्किटेक्चर है। यहाँ पे कुछ बोर्ड शायद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पर भाई सारे रशियन में है। ये शायद उस ज़माने के थे, पनडुब्बी हैं सारे, ये हैं तो एक लाइन से ये हैं। ये शायद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस टाइम पे कैसा था नहीं था, ये सारे इंफॉर्मेशन है। बट रशियन में यार पढ़ भी नहीं सकता, समझने की बात तो बहुत दूर की है। पढ़ पाऊँ तब तो समझ पाऊँ, पढ़ ही नहीं पाऊँगा तो समझाऊँगा कैसे और समझ कैसे पाऊँगा। ये उस टाइम पे इतनी देखा, कितने बंदे लाइन पे लाइन डूबे हुए हैं, ये बोट पे हैं, पता नहीं ये जंप मार के भाग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पता नहीं यार। ये भी उसी टाइम का लग रहा है, ये पुराने लग रहे हैं, ये वाले पुराने। तो वो है मेन जो कैथेड्रल है, वो है मेन कैथेड्रल, जिसके लिए आपको एंट्री फी देनी पड़ेगी। तब आप ऊपर तक, जो ऊपर आप अगर देख पा रहे हो, ऊपर में घंटा लगा हुआ है, तब ऊपर तक चढ़ के आप ठैंग घंटा बजा सकते हो। तो अगर आपको घंटा बजाना है तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, मे बी कुछ म्यूजियम की तरह होगा, आई डोंट नो, अंदर तो मैं नहीं जा रहा है। बाकी ऑसम।
लगता है रसिया के हर सिटी में ट्रैम है। मॉस्को में मिला था, पर्म में मिला था, यकतिनबर्ग में मिला था और यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में तो मिलना ज़रूरी है क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है रसिया की और ये कैपिटल भी है। कैपिटल उस चीज़ का नहीं है भाई, कैपिटल तो मॉस्को है रसिया की, बट ये कैपिटल है किसी चीज़ का। किस चीज़ का कैपिटल है याद नहीं आ रहा भाई, मैं नीचे लिख दूँगा किस चीज़ का कैपिटल है ये। तो ट्रैम लगता है, मुझे लगता है कि ट्रैम रसिया के हर सिटी में, जो भी बड़े बड़े सिटी हैं उसमें हर जगह आपको ट्रैम मिलेंगे ही, ये मुझे लग रहा है। टिकट भी सेम ही होगी 60 रुपये, अगर आप कार्ड लेते हो तो 40 या 45 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा। ये साइकिल का बहुत क्रेज है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। गाइस मैं अभी पहुंचा हूं कजान कैथेड्रल में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस है अगर मैं सेंट पीटर्सबर्ग की बात करूं। और एक अच्छी बात ये है कि यहां का कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। जी हां, अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको कोई भी एंट्री फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आपको ये एक तरह से आप बोलो कि ये कजान कैथेड्रल एक तरह से अंदर से चर्च है। मैं अंदर गया था, जिसका क्लिप्स थोड़ी देर बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी एक मोस्ट विजिटिंग प्लेस है, आप यहाँ पे आ सकते हो कजान कैथेड्रल, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। रसिया की एक बात मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, चाहे वो कोई भी सिटी ले लो, मैं अभी तक जितने भी सिटी में गया हूँ ना, और इतना प्यारा लगता है कि ये आप देखो, जगह जगह पे पार्क बनाए हुए हैं और बैठने के लिए सीट है, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, मतलब ऑसम। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है रसिया की, कोई भी सिटी की बात करो बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ, साफ सुथरा है और पार्क हर जगह बनाया हुआ, बैठने के लिए चेयर लगे हुए हैं, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते थक जाओ, बैठ जाओ, रेस्ट करो, सही है ना भाई। हमारी कंट्री कब होगी ऐसी भाई, होप कि जल्दी हो।
मुझे अभी तक सेंट पीटर्सबर्ग में ये कैनाल देख के ये फीलिंग हुआ हो रहा है कि ये जो कैनाल है ना, ये सेंट पीटर्सबर्ग की आन एंड शान एंड पहचान है, क्योंकि हर जगह पे आपको थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई कैनाल मिल जाएगा। और उसमें चलते हुए ये सारे बोट जो कि एक अलग ही व्यू देते हैं। पता नहीं गड्ढा कितना है, वो तो मुझे नहीं पता गड्ढा कितना है, पर बोट चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड्ढा होगा ही, खाई तो होगा ही कुछ ना कुछ। कितना होगा आई डोंट नो, बट ये जो कैनाल है ना, ये लगभग हर जगह से घुस घुस के निकलते हैं, जो कि बोट में बोट चलते हैं उसका नज़ारा अल्टीमेट होता है। यही लग रहा है कि भाई ये आन एंड शान है, ये सेंट पीटर्सबर्ग की, और जो खूबसूरती है ना, यही कैनाल बढ़ाती है खूबसूरती सेंट पीटर्सबर्ग की। क्या बोलते हो भाई लोगों, ये देखो मजे ले रहे हैं भाई। पीटर्सबर्ग में एक मस्जिद भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये बना था 1913 में और ये यूरोप का सबसे बड़ा मॉस्क है एक्सेप्ट टर्की। टर्की को छोड़ के जितने भी यूरोपियन कंट्री है उसमें से सबसे बड़ा मॉस्क जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और इसका नाम है कजान मॉस्क। गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो पीटर्सबर्ग आना चाहता है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारे मेन अट्रैक्शन हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, सारे आप वॉक के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर वॉक के थ्रू नहीं कवर कर सकते तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके कर सकते हैं। So thanks for watching, see you in another vlog, bye bye, take care.